पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद ब्रांच ऑफ सीआईआरसी शाखा द्वारा स्टडी सर्जिकल मीटिंग का आयोजन शाखा कार्यालय में किया गया। मीटिंग के वक्ता सीए प्रवीण कुमार ने बताया कि जो भी व्यक्ति अपने अनियमित डिपॉजिट्स को अपनी फर्म में लेता है उस पर सरकार विशेष रूप से ध्यान देगी और पेनल्टी लगाएगी। इसके लिए सरकार ने सख्त कानून बनाए हैं। मीटिंग की अध्यक्षता सीए अमित अग्रवाल ने की और संचालन सीए अरविंद अग्रवाल ने किया। मीटिंग में सीए संतोष अग्रवाल, सीए हिमांशु मेहरा, सीए राकेश अग्रवाल, सीए अजित अग्रवाल, सीए सुरेंद्र गुप्ता, सीए विजय बंसल, सीए अंकुर अग्रवाल, सीए वरुण गुप्ता, सीए अतुल कुमार, सुधीर सरन, हर्षित गुप्ता, आशीष अग्रवाल के साथ और भी लोग मौजूद रहे। एक ऑर्डिनेंस आया है गवर्नमेंट की तरफ से जो कि डिपॉजिट्स को रेगुलेट करता है। बहुत सी कंपनियां ऐसी आई हैं जो पैसा लेके लोगों को भाग गई हैं और उनका हम रिकवर नहीं कर पाए, जो कि साउथ में है भी काफ़ी हैं, महाराष्ट्र में भी काफ़ी हैं, इधर कलकत्ता भी बहुत हैं। तो इस वजह से उनको रेगुलेट करने के लिए कि वो पब्लिक को चीट ना कर सकें और पब्लिक का पैसा सेफ रहे और उस पर ड्यू कोर्स में वापस मिल जाए उनको और विद इंटरेस्ट मिल जाए, जो कमिटमेंट है, इसकी वजह से एक ऑर्डिनेंस लाया है जो कि एक्ट में कन्वर्ट होने जा रहा है और फरवरी 2019 से एप्लीकेबल हो रहा है। उसमें रेगुलेट करने की पूरी स्कीम दे रखी है उन्होंने और क्या क्या अथॉरिटीज़ हैं उसके अंदर, क्या क्या ड्यूटीज़ हैं लेने वाले के लिए और देने वाले के लिए। प्रॉब्लम आपको बहुत सी चीज़ें, कंपनियां चिटफंड लेके भाग जाती हैं, आपकी छोटी छोटी रकमें जो बिल्कुल गरीब लोगों की होती हैं लेके भाग जाती हैं, उसको उन्होंने कल्टेल करने की कोशिश की है, उसको रेगुलेट करने की कोशिश की है जिससे पब्लिक एज ए होल बेनिफिट में रहे और उनके साथ कोई चीटिंग फर्दर ना हो सके किसी तरीके से भी फरवरी 2019 के बाद। क्या कोई अपील करेंगे उन लोगों से जो इस तरीके की? पहली बात तो ये है कि हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम तो कहेंगे कि बैंकिंग चैनल बहुत बढ़िया है उसके लिए और उस जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उसमें पैसा लगाइए। आप ज़्यादा रिटर्न के चक्कर में अपना पैसा पूरा डुबो देते हैं, वो कभी वापस नहीं मिलता। केवल हायर रिटर्न को देखते हैं कि साहब मेरा स्कीम में दुगना हो रहा है, तिगना हो रहा है, जो तिगना करते हैं वो कभी वापस नहीं करते। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जहाँ से तिगनी या दुगना एकदम हो जाए। इंस्टेंट प्रॉफिट का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उसके अंदर कमजोरी है, कोई ना कोई चीटिंग है, कोई ना कोई ऐसी मैनिपुलेशन है जो दे ही नहीं सकता। आपको भी पैसा दूंगा तो कहाँ लगाओगे?